डाला है ओके ये ऑटोमेटिक ग्रीस पंप में टाइम सेट होता है कि इतने ही टाइम में वो मशीन में जहाँ जहाँ बेयरिंग आ रहा है वहाँ पे वो ग्रीस में पंप कर देगा पूरा पूरा। रॉ मटेरियल फीड होने के बाद इसमें जो रोलर्स है और डाई है, रोलर्स डाई में से रॉ मटेरियल को पुश करके बाहर निकाल के पैलेट्स बना देते हैं। ये जो सामने आप स्पेयर पार्ट्स गियरबॉक्स वगैरह देख रहे हैं वो सब सत्यजीत का अपना मैन्युफैक्चरिंग है, तो वो हम आपको कभी भी मतलब आप जैसे ऑर्डर करते हैं और हमारे पास अवेलेबल है तो डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट करवा सकते हैं, या फिर सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है इस इंडस्ट्री में इसी पेडिस्टो का है, आप देख सकते हैं ये पेडिस्टो का पैलेट बना हुआ है ना, ये भी इतना ही हार्ड है, ये आप देखिए जी है ना, जैसे आप देख सकते हैं ग्राउंड नट शेल जीएनएस का सैंपल है, आप देख सकते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग, मैं आपका अपना सागर सिंह गुलवान आज आपको लेकर आ चुका हूँ सत्यजीत इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के स्टॉल पे, जहाँ पे आप लोगों को पायलट्स मैकिंग मशीन की बहुत बड़ी रेल्स देखने के लिए मिलने वाली है। ये मेक इन इंडिया मशीनरी होने वाली है, साथ में सत्यजीत मशीनरी इनको खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है इन हाउस। तो सर एक बार अपना इंट्रोडक्शन दीजिए प्लीज। नमस्कार, मैं सत्यजीत रिन्यूएबल इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड की ओर से आप सबको नमस्कार करता हूँ और इस स्टॉल में आपका स्वागत करता हूँ। तो हम एक राजकोट बेस्ड कंपनी है जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कम्प्लीटली मैन्युफैक्चरिंग के अंदर उतरना चाहते हैं और बायोमास इंडस्ट्री के सारे नए नए सॉल्यूशंस और वन स्टॉप सॉल्यूशन पूरे भारत को प्रोवाइड कर पाएँ, ये हमारा प्रयास रहता है। जैसे कि आपको बताऊँ, बायोमास इंडस्ट्री के अंदर प्री प्रोसेसिंग, पोस्ट प्रोसेसिंग और पैलेटिंग, इन सब के लिए अलग अलग मशीनरीज की रेंजेस है और सारी रेंजेस हम एक ही जगह पे प्रोवाइड हो पाए उस तरह का पूरा प्रयास करते हैं और जो भी करें हम मेक इन इंडिया करने का प्रयास करते हैं। जैसा कि सर पैलेट्स बनाने की मशीन में पीछे मैं देख पा रहा हूँ, ये किस तरीके से काम करती है और लोगों के लिए किस तरीके से यूजफुल होने वाली है जी, अभी आप देख सकते हैं जैसे कि ये है वर्टिकल रिंग डाई पैलेट मशीन जी। ये मशीन सत्यजीत रिन्यूएबल इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड कम्प्लीटली इन हाउस मैन्युफैक्चर करता है और इसके सारे पार्ट्स, इसकी सारी बॉडी वो सब सत्यजीत ने खुद बनाया हुआ है। ये मशीन बायोमास पैलेट इंडस्ट्री के लिए एक रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है क्योंकि 6 mm और 8 mm जितने छोटे पैलेट्स को बनाने के लिए ये वर्ल्ड वाइड प्रूवन बेस्ट टेक्नोलॉजी है, जिसे वर्टिकल रिंग डाई टेक्नोलॉजी बोला जाता है। इसके अंदर छोटे साइज के पैलेट्स बहुत ही स्मूथ मैकेनिज्म से बनाए जाते हैं जिसके अंदर टूटने के या फिर तोड़फोड़ होने के, ब्रेकडाउन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। इस टेक्नोलॉजी को पूरे भारत में सबसे पहली बार और भारत के एनवायरनमेंट के हिसाब से कुछ प्रिकॉशंस और हमारे यहाँ के लोगों के हिसाब से कुछ प्रिकॉशंस रख के कुछ फीचर्स ऐड करके सत्यजीत ने एक अपग्रेडेड मॉडल बनाया हुआ है, जिसकी वजह से भारत में इस मशीन को चलाने के लिए कोई दिक्कत किसी को फेस ना करनी पड़े। पैलेट्स बनाने की जैसे कि हम लोग मशीनरी की बात करते हैं तो अगर एक घंटे की बात करें तो कितनी ये मैन्युफैक्चर कर देता है सर? सर ये मशीन एक्चुअली मैन्युफैक्चर्ड फॉर 1.5 to 2 tons पर आवर ऑन पेपर, बट अकॉर्डिंग टू मटेरियल द कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन इज वेराइंग बिकॉज कुछ मटेरियल जो होते हैं जो काम करते हैं जो होते हैं लाइट वेट, उनका प्रोडक्शन इटसेल्फ कम आता है और कुछ मटेरियल जो होते हैं हार्ड, जो पैलेट बनने में ही बहुत टाइम लगाते हैं, इसकी वजह से उनका पर आवर प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो इस तरह से अलग अलग मटेरियल में, अलग अलग मटेरियल यानी इस इंडस्ट्री में मस्टर्ड हस्क है, कोरिएंडर है, ग्राउंडनट शेल है, सोया हस्क है, पेडिस्ट्रो है, राइस हस्क है, सॉडस्ट है, बहुत सारे अलग अलग मटेरियल्स इस इंडस्ट्री में पाए जाते हैं और हर मटेरियल के हिसाब से और हर मटेरियल को वो कहाँ से लाया जाता है और उसके साथ में क्या इंग्रेडिएंट्स है उसके हिसाब से अलग अलग प्रोडक्शन कैपेसिटी मिलती है। सर पैलेट्स की अगर मैं बात करूँ तो किन किन प्रोडक्ट से ये पैलेट्स बना देता है और किस साइज़ के निकलते हैं, देखने में किस तरीके होती है वो एक बार दिखाइए सर। सर बेसिकली फर्स्ट तो आपने जो सवाल पूछा किन किन चीज़ों से बनते हैं जी, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो एग्रीकल्चर वेस्ट है, जो हमारे किसान हैं वो हमारे किसान जो खेती में क्रॉपिंग करने के बाद जो भूसा बचता है, जो वेस्ट बचता है, उनको किसान जला देते हैं जी, क्योंकि आज तक उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, वो निकालेंगे तो डालेंगे कहाँ पे, डालेंगे वहाँ पे ढेर हो जाएगा, वो नहीं, वो लोग जला देते थे। अभी जलाने की वजह से कुछ दिक्कतें आ रही है, क्या क्रॉप के जलने से जो लैंड की फर्टिलिटी है वो भी कम हो रही है, उसके अलावा उसका धुआं जो हवा में फैल रहा है वो हवा का पॉल्यूशन ज़्यादा कर रहा है, उसकी जगह पर हम उसे निकाल के इस इंडस्ट्री के जो ओनर्स हैं, इस इंडस्ट्री के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं जो ब्रिकेट और पैलेट बायोमास से बनाते हैं वो लोग अपने यहाँ प्रोक्योर कर लेते हैं, जिससे क्या होता है किसान को अपने खेत में वो जलाना भी नहीं है, जिससे फर्टिलिटी कम नहीं हो रही है, एयर का पोल्यूशन भी नहीं हो रहा है, प्लस किसान को एक साइड इनकम हो रही है राइट। अभी वो साइड इनकम तो है लेकिन उसके बाद भी एक उसका बेनिफिट है,
कि जब हम ये बायोमास का पैलेट बनाते हैं तो ये बायोमास का पैलेट जलाने की वजह से वो कोयले की इंस्टेड में जलता है, कोयले का सब्सटीट्यूट है, तो कोयले की वजह से जो पोल्यूशन होता है उसे भी कम किया जाता है। तो तीन जगह से तीन अलग अलग पोल्यूशंस कम हो रहे हैं, जैसे क्रॉप जलाने से जो एयर का पोल्यूशन है वो, और कोयला ना जलाने से एयर का पोल्यूशन कम हो रहा है, ठीक है। और दूसरा है कि फर्टिलिटी कम करना, जो लैंड का पोल्यूशन है वो भी कम हो रहा है। तो पॉल्यूशन को डिक्रीज करने में और नेट जीरो कार्बन एमिशन की साइड जाने के लिए भारत को बायोमास इंडस्ट्री की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके दूसरे सवाल का जवाब, किस तरह की दिखती है ये चीज़, बिल्कुल आइए बताता हूँ आपको। अलग अलग पैलेट्स के सैंपल्स जो हमने अपने कस्टमर्स के लिए ही ला के रखे हैं, क्योंकि कस्टमर्स का सबसे पहला सवाल होता है कि सर हम ले तो लेंगे मशीन, हम बना भी देंगे, लेकिन वो बनेगा ना, तो हम उनके लिए ये सैंपल्स रखते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ग्राउंड नट शेल जीएनएस का सैंपल है, आप देख सकते हैं ये इतना सॉलिड पैलेट है, राइट, ये आप देख सकते हैं ये इतनी ताकत और दूसरी जगह पे लगाने से टूटा है। पैलेट की क्वालिटी को इस तरह चेक किया जाता है, इतना मैं ताकत लगा रहा हूँ फिर भी इसको कुछ नहीं हो रहा है, इतना सॉलिड पैलेट है। बिल्कुल। इसके अलावा अलग अलग मटेरियल्स हैं, जैसे आप ऊपर देख सकते हैं सिल्वर वुड है, इस वक्त ये सॉडस्ट है, ये नेपियर वाला है, यहाँ पे शुगर कैन है, ये नेपियर वाला है, फिर ये राइस का है, फिर ये अपना नेपियर का फिर से आ गया, ये MSW का हमने बनाया हुआ है जी। फिर यहाँ पे ये सोया का है, जूली फ्लोरा है, है ना, कोरिएंडर का है, यहाँ पे मिक्स एग्रोवेस्ट देख रहे हैं आप, फिर ये अपना हो गया सॉडस्ट फर्नीचर वेस्ट का, ये राइस हस्क का है, फिर ये पेडिस्ट्रो जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है इस इंडस्ट्री में, इसी पेडिस्ट्रो का है, आप देख सकते हैं ये पेडिस्ट्रो का पैलेट बना हुआ है, है ना, ये भी इतना ही हार्ड है, ये आप देखिए जी, है ना। अभी सर जैसा कि मैं पैलेट्स देख पा रहा हूँ, यहाँ पे आपने 6 mm का पैलेट्स रखा हुआ है और साथ में 18 mm का भी पैलेट रखा हुआ है जी। तो अलग अलग साइजेस बनाने के लिए मशीनरी के अंदर कोई सेटिंग करनी पड़ती है और मटेरियल के हिसाब से नहीं, नहीं, नहीं। निकलते हैं। एक्चुअल में ये 16 और 18 mm के पैलेट्स जो इतने मोटे मोटे हैं जी, उनको बनाने के लिए एक अलग टेक्नोलॉजी है, मैं आपको दिखाता हूँ, आइए। ये जो टेक्नोलॉजी है ये, इसे प्रेस पैलेटिंग टेक्नोलॉजी बोलते हैं। इस मशीन में पिस्टन प्रेस वाली टेक्निक की मदद से हम छोटी साइज़ के पैलेट्स भी बना सकते हैं। ओके। एक्चुअल में ये मशीन डिज़ाइन की गई है ब्रिकेट को बनाने के लिए। ब्रिकेट्स बनाने के अलावा इसमें डाइज डाल के कुछ ज़्यादा वेरिएंट है और ज़्यादा मगजमारी होती है, लेकिन उसके अंदर से 18 mm 16 mm का पैलेट बन सकता है। ये हो गया 18 mm 16 mm का पैलेट। अभी हमने जो मशीन देखा वर्टिकल रिंग डाई पैलेट, इट इज़ स्पेशली डिज़ाइन फॉर 6 mm और 8 mm पैलेट्स। सो वो वर्ल्ड वाइड प्रूवन टेक्नोलॉजी और बेस्ट टेक्नोलॉजी है 6 mm 8 mm जितने छोटे पैलेट्स को बनाने के लिए। ऐसा ये मशीनरी में आपके पीछे मैं देख पा रहा हूँ वर्टिकल रिंग डाई पैलेट मशीन, ये भारत में आपके अलावा और कौन कौन बनाता है? सर असल में इस वक्त मैं आपको कह सकता हूँ कि इस मशीन को पूरा का पूरा इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग सत्यजीत रिन्यूएबल इंजीनियरिंग के अलावा कोई नहीं करता, और इस मशीन को भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगह पे फैला हुआ देखा गया है, लेकिन वो मशीन्स इम्पोर्टेड आती है। हालांकि इम्पोर्टेड मशीनें गलत नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेड मशीनें भारत में लाने के बाद वहाँ पे भारत का पैसा जाम हो रहा है, देश का पैसा जाम हो रहा है जी। उसके बाद अगर यहाँ पे मशीन आने के बाद उनसे चलाई नहीं गई तो मशीन रुक जाती है, वो क्या हो रहा है, देश की इकोनॉमी जाम हो रही है, और वो मशीन के स्पेयर पार्ट्स उनको अवेलेबल कहाँ से होंगे? जो मशीनें लाने में इतनी दिक्कत है उनके स्पेयर पार्ट्स आप इतनी फ्रिक्वेंटली अवेलेबल नहीं करवा सकते। उसके अलावा उनकी आफ्टर सेल सर्विस, क्योंकि मशीन को अगर कहीं पे रुकता है तो मशीन रुकने के बाद उनका टेक्नीशियन या फिर उनके तरफ से जो सपोर्ट चाहिए वो पूरी तरह से इम्पोर्टेड मशीन्स में नहीं मिलता है, जो सत्यजीत पूरी तरह से प्रोवाइड करता है, क्योंकि हमने खुद मशीन बनाया है तो हमें अपने मशीन का चप्पा मालूम है बिल्कुल कि यहाँ से ये होगा यहाँ से ये होगा। हालांकि सत्यजीत के लिए टेलीफोनिक सर्विस, टेलीफोनिक असिस्टेंस फॉर एनी काइंड ऑफ डिस्टरप्टिंग प्रॉब्लम्स इन द मशीन, वो हमेशा तैयार रहता है। उसके अलावा अगर सत्यजीत के टेक्नीशियंस को, उनके टेक्निकल हेड को हमें पता चलता है कि वहाँ पे हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट को भेजना ही पड़ेगा, तब हम यहाँ से भी अपना आदमी भेजते हैं, क्योंकि हमारी गारंटी वारंटी का जो पीरियड होता है उसके अंदर अगर ये चीज़ आती है तो हमारा टेक्नीशियन वहाँ जाके रिपेयर करके आता है। लेकिन उसके अलावा, हमारी मशीन के अलावा जो बाहर से मशीनें आई हैं वो भी हमारे पास बहुत सी आई हैं कि भाई हमें ये दिक्कत आ रही है, हमारी मशीन दुखी पड़ी है, आप कर दीजिए। तभी सत्यजीत ने देश का पैसा जब जाम हुआ देखा, तब हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, अपनी तरफ से उनके स्पेयर पार्ट्स जो उनकी डिज़ाइन में है
उनको अवेलेबल करवाने की पूरी कोशिश की है, और जब जब नहीं मिले तब हमने अपनी तरफ से जितना पॉसिबल हो सके उतना प्रोवाइड करवाया, और जब हो सके तब बनाया भी है। क्योंकि सत्यजीत ने ये कदम बहुत सोच समझ के उठाया था कि भाई हमारी मशीन नहीं है फिर भी हम रिपेयर करेंगे। तब सत्यजीत की सोच ऐसी थी कि ये हमारी मशीन नहीं है, ठीक है, लेकिन इस मशीन के पीछे देश का पैसा जाम पड़ा है, तो देश का पैसा ऐसे जाम नहीं होना चाहिए। तो वो मशीनें हमने अपने एक वर्कशॉप पे मंगवा के उनको पूरी तरह से खोल के उनका जो भी प्रॉब्लम था उनको रिजॉल्व करके, उनको रिपेयर करके, और उनके पार्ट्स जो भी उनको नए चाहे थे वो बना के दिए हैं। उसके अलावा आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे स्पेयर पार्ट्स की पूरी रेंज है, ये आप देख सकते हैं ये स्पेयर पार्ट्स हैं, ये डाई पड़ी है, वो उस तरफ बहुत सारे स्पेयर पार्ट्स हैं जो आप सामने की तरफ देख सकते हैं। ये जो सामने आप स्पेयर पार्ट्स गियरबॉक्स वगैरह देख रहे हैं वो सब सत्यजीत का अपना मैन्युफैक्चरिंग है, तो वो हम आपको कभी भी मतलब आप जैसे ऑर्डर करते हैं और हमारे पास अवेलेबल हैं तो अवेलेबल है तो डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट करवा सकते हैं, या फिर आप हमें ऑर्डर देते हैं तो हमारे पास नहीं है तो जैसे ही ऑर्डर अवेलेबल होता है तो उसका ऑर्डर हम प्लेस कर लेते हैं और वो बना के आपको प्रोवाइड करवाते हैं। यानी कि पूरा सल्यूशन आपको मिलने वाला है, अगर मशीनरी के अंदर कोई दिक्कत आ जाती है, परेशानी आती है, तो सत्यजीत आपके साथ में खुद खड़ा हुआ है ताकि आपकी मशीनरी में दिक्कत ना आए और आपका काम बिल्कुल भी ना रुके। जी सर। और सर दूसरी चीज़ है कि जो इम्पोर्टेड मशीन्स हैं जिनके पार्ट्स नहीं मिलते उनमें से हमसे जितना हो सकता है उतना हमने प्रयास किया है, और जितना हमारे पास हो सकता है उतना पार्ट्स अवेलेबल करवाने का हमने प्रयास किया है कि अगर कोई मानो कि XYZ कंपनी है उनका मशीन उनके पास है और वो बोलते हैं कि स्पेयर पार्ट्स चाहिए, तो हमारे पास कुछ एक कंपनीज ऐसी भी हैं जिनके स्पेयर पार्ट्स हम प्रोवाइड ऑन द स्पॉट भी करवा सकते हैं, जो हमारे पास पड़े होते हैं वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इसके लिए ऐसा नहीं है कि आपके पास सत्यजीत की मशीन होनी कंपलसरी है, आपके पास किसी और की भी मशीन है उनके स्पेयर पार्ट्स भी हमारे पास अवेलेबल रहते हैं, तो आपका मशीन कभी रुके नहीं, उसके लिए सत्यजीत पूरी तरह से दिन रात प्रयास करता है। यानी कि पैलेट्स मशीन आपके पास चाहे किसी भी कंपनी की हो, चाहे आप लोगों ने इंपोर्ट की हो चाइना से, तो भी आपकी मदद करने वाला है सत्यजीत। अगर आप लोगों को स्पेयर पार्ट चाहिए तो भी आप लोग इनके साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। जी सत्यजीत से अंकित सर मेरे साथ में है, यहाँ पर आप मशीनरी के बारे में जानना चाहते हैं तो पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। सर किस तरीके से काम करती है प्लीज़? ये वर्टिकल रिंग डाई मशीन है, इसमें कोई भी बायोमास से पैलेट बनाने के लिए काम में आता है। ये बायोमास को अपने को पाउडर करना पड़ेगा और इसको ड्राई करना पड़ेगा 8-10% मॉइस्चर के लिए, उसी के बाद ये मशीन में डाला जाता है। उसमें ये ऊपर से मशीन में फीड होता है रॉ मटेरियल। ओके। रॉ मटेरियल फीड होने के बाद इसमें जो रोलर्स है और डाई है, रोलर्स डाई में से रॉ मटेरियल को पुश करके बाहर निकाल के पैलेट्स बना देते हैं। बेसिकली मशीन का काम करने का तरीका ऐसा है कि वो मोटर है जी। उस मोटर से नीचे गियर बॉक्स में मोटर पावर करती है, वो पावर गियर बॉक्स से शाफ्ट में आती है, शाफ्ट ही में ही रोलर लगे होते हैं जो डाई से पुश करते हैं। ये जो गियर बॉक्स है वो पूरा ऑयल पे काम करता है, तो ऑयल इसमें फ्लो होता रहता है, तो ऑयल फिल्टर है उसके लिए और ऑयल का पंप है। पर जब ऑयल फ्लो होता है, मशीन चल रही है, तो मशीन में हीट प्रोड्यूस होती है, ऑयल गर्म हो जाता है। बिल्कुल। तो ऑयल को ठंडा करने के लिए उसमें ये रेडिएटर है, फैन है। फैन लगा हुआ। ये फैन से पहले हवा से ठंडा होता है ऑयल, उसके बाद आगे वहाँ पे हीट इंजर है, वो ऑयल पानी से ठंडा करता है ऑयल को, पानी से इफेक्टिवली ठंडा हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे हीट इंजर से निकल के वहाँ पे ऑयल प्रेशर सेंसर है। ऑयल प्रेशर सेंसर ऐसी चीज़ है जो हमने बनाई है, हमने जो बाहर की मशीनें आती हैं उनमें नहीं है ये चीज़, क्यों, उनके वहाँ पे प्रतीक्षिकताओं में ये ठंडा एनवायरनमेंट होता है, वहाँ पे 30-35 से ऊपर टेम्परेचर नहीं जाता, पर अपने यहाँ पे 40-45 के ऊपर टेम्परेचर चला जाता है, तो अपना ऑयल जल्दी ठंडा नहीं होता है। अपने यहाँ पे काफ़ी दिक्कतें भी आती है जो उनके वहाँ पे नहीं आती है। तो हमने हमारे एक्सपीरियंस से, हमारे काफ़ी 20 साल के एक्सपीरियंस से, हमने इसमें ऐसे चेंज किए हैं कि जो ऑयल है उसका एक टेम्परेचर फ्लो का सेट किया हुआ है कि ऑयल अगर इस फ्लो से नीचे जाया तो सायरन बजेगा पैनल में 10 सेकेंड के लिए, अगर उस 10 सेकेंड में मशीन को बंद नहीं किया गया तो मशीन ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाएगा। उसके बाद उसमें RTD सेंसर डाला हुआ है, RTD सेंसर भी सेम यही काम करता है कि अगर ऑयल का टेम्परेचर एक सेट लिमिट से ऊपर जाता है तो वापस से पैनल में सायरन बजेगा और वहाँ पे वो मशीन को बंद कर देगा ऑटोमेटिकली। ये फीचर्स हमने मशीन की सेफ्टी बढ़ाने के लिए काफ़ी कंपलसरी कर दिए हैं कि मशीन लॉन्ग लाइफ रहे, मशीन की हेल्थ रहे। और अगर हम मशीन खुद बना रहे हैं इंडिया में, हमने हमारे उसमें, तो हम चाहेंगे कि मशीन की लाइफ लंबी हो, जो लोगों को कॉस्ट वैल्यू मिले। मशीन के साथ में यहाँ पे
और भी सारे इक्विपमेंट्स आते हैं, जैसे कि मैंने बताया शाफ्ट है इसकी जी। शाफ्ट बेयरिंग पे ही चलती है, तो बेयरिंग को लुब्रिकेशन का काम होता है, तो बेयरिंग का लुब्रिकेशन के लिए हमने ये ऑटोमेटिक ग्रीस पंप डाला है। ओके। ये ऑटोमेटिक ग्रीस पंप में टाइम सेट होता है कि इतने ही टाइम में वो मशीन में जहाँ जहाँ बेयरिंग आ रहा है वहाँ पे वो ग्रीस में पंप कर देगा पूरा पूरा। यानी कि पूरी सेफ्टी का ध्यान रखा गया है कि मशीन की बेयरिंग वगैरह है जो जल्दी खराब ना हो, इसलिए यहाँ पे ग्रीसिंग वगैरह की सारी चीजें प्रोवाइड की गई है। साथ में सर मशीनरी के बारे में काफी चीजें आपने मुझे बताई, जैसे कि मैं इसके अंदर होपर वगैरह देख पा रहा हूँ, तो ये किस काम पे कर रहा है? ये डस्ट कलेक्टर है, बैक डस्ट कलेक्टर है। okay. जब मशीन पैलेट्स बनते हैं तो पैलेट्स गर्म हो जाता है, मशीन को गर्म कर देते हैं, तो मशीन में से डस्ट और गर्म हवा दोनों को सक कर लेता है ताकि अंदर का टेम्परेचर ठंडा रहे, अंदर की मशीन ठंडी रहे तो उसकी लाइफ बढ़ जाती है। मशीनरी के अंदर सर फंक्शनैलिटी की बात तो हमने कर लिया, जैसे कि अगर हम बात करें तो इसके अंदर कितने मैन पावर की जरूरत होती है मशीनरी को हैंडल करने के लिए? पूरे कंप्लीट प्लांट को, जिसमें आपका जो रॉ मटेरियल हस्क फॉर्म में आ रहा है, यानी कि छोटा 40 से 50 mm का साइज और उसका 8-10% का मॉइस्चर, तो वो पूरा प्लांट आपको 3 लोगों में काम हो जाता है, एक ऑपरेटर, एक छोटा सा लेबर सस्ता सा, और एक अपना ट्रैक्टर ड्राइवर का लोडर का। मशीनरी का ओवरऑल तो आपने मुझे बता दिया, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ इसको हैंडल कहाँ से किया जाता है और इसका जो सिस्टम लगा हुआ है, पावर पॉइंट लगा हुआ है, वो कहाँ पर लगा हुआ है? वो उसका पूरा पैनल में है, आप आइए मैं आपको पैनल बताता हूँ जी। ये पूरा पैनल है, इसमें दिखा देना सर। यहाँ पे टेम्परेचर जो मैंने आपको बताया RTD सेंसर है जी, वो उसका रियल टाइम में डिस्प्ले होता है, ये उसका मोटर में एम्पियर, उसका वोल्ट मीटर का पूरा डिस्प्ले है ताकि जो भी ऑपरेटर है वो चेक कर सके। ओके। और मशीन का पैनल इतना ऑटोमेटेड है कि वो सीक्वेंस में चालू होता है। ओके। कि पहले ये मोटर चालू होगी, फिर दूसरी ये होगी, उससे पहले बीच में नहीं होगी, यदि किसी कारणवश इधर मोटर में खराबी आती है तो पूरा सिस्टम अपना बंद हो जाएगा। उसमें पैनल है पूरा, अंदर सारा सॉफ्ट स्टार्टर वगैरह है, उसका कैपेसिटर वगैरह सारा हाई क्वालिटी का ही यूज होता है। तो सर इसके अंदर एक बार मुझे दिखाएंगे किस तरीके से कंपोनेंट वगैरह आपने लगाए हुए हैं, और ये देख सकते हो ये पूरा कंपोनेंट है। इसमें पैनल में हमारे वैरायटी आती है, UFD ड्राइव लगी है, स्टैंडर्ड कंपनीज की चीज़ें यूज होती है। ये सॉफ्ट स्टार्टर है, सॉफ्ट स्टार्टर ऐसी चीज है कि मोटर को झटका लगने से बचाती है। ओके। मोटर जब चालू होती है तो झटके से चालू नहीं होगी, एकदम स्मूथली चालू होने से उसकी जो गियर की लाइफ है, गियर में झटका नहीं लगेगा, गियर को दिक्कत नहीं आवे, इसीलिए। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं मशीन की जो ओवरऑल डिटेल थी वो भी मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी है। अगर आप लोग इस मशीनरी को खरीदना चाहते हैं तो आपको सत्यजीत इंजीनियरिंग कंपनी पर जाना होगा, और उसके बाद आप लोग इस मशीनरी को वहाँ पर फिजिकली चलते हुए भी देख सकते हैं, और पूरी जो जानकारी है ना वो आपको देखने से ही मिलती है। सर कुछ कहना चाहेंगे? नहीं जी, बिल्कुल आपने सही कहा, आप हमारे राजकोट में, गुजरात में आइए प्लांट पे, उसको मशीनरी को बनता हुआ देखिए, हमारे आसपास में बहुत सारे प्लांट भी है जी, तो वो देखेंगे तब लोगों को समझ में आता है कि ये फील्ड कितना स्कोपिंग है और कैसे काम करती है चीज़ें, तो इतना हार्ड नहीं है, समझने वाली बहुत आसान चीज़ है। काफ़ी अच्छी जानकारी दी है सर ने, तो थैंक यू सो मच सर। जी सर, जैसा कि आपने मशीनरी के बारे में बताया कि किस तरीके से पैलेट्स निकल के आ जाते हैं, अगर कोई इन मशीनरी को खरीदना चाहता है तो किस तरीके से आपके साथ में कनेक्ट हो सकता है? सर एक तो ऐसा है सर कि मैं अभी आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। ओके। तो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट satyajeetmachineries.com उस पर आप देख सकते हैं, उन पर उससे भी आप हमको इंक्वायरी डाल सकते हैं, उसमें हमारा व्हाट्सएप का लिंक और ईमेल का लिंक सब कुछ अवेलेबल है। प्रोडक्ट्स की डिस्क्रिप्शन रेगुलरली अपडेट मिलती है, आपको हमारा कैटलॉग वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, और आप जब हमें इंक्वायरी डालते हैं तो हम आपको सामने से अप्रोच करके आपको रॉ मटेरियल जो आपका अवेलेबल है, उसका फॉर्म, उसका मॉइस्चर, जो भी डिटेल्स थोड़ी हमें चाहिए, बेसिक डिटेल्स होती है जो इस इंडस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले या फिर मशीनरी सजेस्ट करने से पहले किसी भी मैन्युफैक्चरर को चाहिए होती है, वो हम आपको पूछेंगे, आप जैसे ही रिप्लाई देंगे उसके बाद हम आपको आपका आगे का प्रोसेस बताएंगे। पैलेट्स बनाने की मशीनरी अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोगों को सारी डिटेलिंग वगैरह डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, तो वहाँ पर जाकर भी आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। साथ में ऐसी मशीनरी जो कि इंडिया के अंदर सत्यजीत इंजीनियरिंग बना रहा है, वो मशीनरी आप लोगों को कहीं भी नहीं मिलने वाली, इनके स्पेयर पार्ट से लेके एक एक चीज़ इनके पास भी अवेलेबल रहती है, तो आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।